है। चलिए, सभी शक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो हम चर्चा का विषय लेने जा रहे हैं, कई बार आगे भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम सभी जानते हैं ये सब नए नियम कोई नए नहीं है। बार बार दोहराने से एक बार हमारे मन में रिवाइज हो जाता है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो वो ध्यान चला जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो लेक्चर है उसका विषय है भोजन के नियम। भोजन भोजन याद रखिए कि अन्न जो है वो संस्कृत के शब्द अद से बना है, और जिसका अर्थ होता है खाना। यानी के जब हम भोजन खाएं तो हमारे द्वारा भोजन खाया गया, और जब भोजन हमें खाए तो यानी के दोनों रूप हैं भोजन के। यानी के ये प्राण देने वाला भी है और आपको जो है जिलाने वाला भी है। यदि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जो सही है, उचित है, सही मात्रा में है, तो हमारे को पौष्टिक तत्व मिलते हैं, हमारी भीतर में जो जरूरतें हैं विटामिन्स, मिनरल्स, ग्रोथ, रिपेयर और सारी जो आवश्यकता है वो भोजन के साथ, अगर भोजन खाया हुआ सही से पचता है और हमारे शरीर में लगता है, एसिमिलेट होता है, अवशोषित होता है। लेकिन वही भोजन यदि हम भोजन सबसे पहले तो अगर भोजन करेक्ट नहीं खा रहे, जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी चॉइसेस खा रहे हैं, तो वो और आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं, तो हमारी जो पाचन तंत्र की क्षमता है उससे अधिक खाना हमारे लिए बहुत सारे जो है बीमारियों को न्योता देता है, इनडाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले हम ठूस ठूस के खाते हैं, उसके बाद फिर उसको पचाने के लिए तरह तरह की गोलियां और चूर्ण खाते हैं। तो इस तरह से भोजन करने से क्या होता है कि ऐसा भोजन हमें ही खाने लगता है, अर्थात ऐसा भोजन हमारे अंदर जो अनपचा भोजन रह जाता है, पूरी तरह से निष्कासित नहीं होता, वो पड़ा पड़ा जो है मल जो है हमारे भीतर ही भीतर विष बन जाता है, और वो विष बन के हमारे जो अंग प्रत्यंग, हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स को धीरे धीरे अंदर डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है जो भोजन हमने खाया वो हमें खाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अन्न से हमें सावधान होके चलना है कि ये एक तरफ अगर जीवनदायक भी है, और अगर अपनी सूझबूझ से और सही तरीके से नहीं खाया गया तो वो हमारे लिए घातक भी हो सकता है। तो इसीलिए अब भोजन के जो विभिन्न पदार्थ हैं उसमें जो सबसे नंबर वन पर जो मैं कहूंगी वो हरी पत्तेदार साग सब्जी का स्थान है। अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले पत्तियों को स्थान दें, यानी कि 100 ग्राम लीव्स आपको प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। 100 ग्राम लीव्स मतलब पालक की हो सकती है, आजकल तो मेथी, बथुआ, तरह तरह के साग हैं, शलजम, मूली, कड़ी पत्ता, मतलब आप यू नेम इट, विंटर इज द नेम ऑफ ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इनमें जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन से लेके विटामिन्स, मिनरल्स तो है ही। जो व्यक्ति इनका नियमित सेवन करता है वो कभी कब्ज का शिकार नहीं होता। आप उसको चाहे, मैंने ग्रीन जूस की रेसिपी आपको दी हुई है कि आप हैंडफुल ऑफ धनिया की पत्ती लीजिए, पुदीने लीजिए थोड़ा सा, और 10 के करीब आप कड़ी पत्ता लीजिए। बस इन तीनों को मिला के मिक्सी में डाल के पानी एक ग्लास से थोड़ा सा कम, और आप एक 1 ग्लास ऑफ ग्रीन जूस, ये आपके लीवर डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। और याद रखिए कि लीवर कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और अगर वो डिटॉक्सिफाई, उसकी क्षमता को कोई चीज बढ़ा रही है तो आपके भीतर एनर्जी, स्फूर्ति,
मतलब रोग जो है टिक ही नहीं पाएगा जिसका लिवर दुरुस्त होता है। तो ग्रीन पत्तियों का सेवन अपने जीवन में प्रतिदिन करें, कब्ज नहीं होने दें। अगर आप कच्चा नहीं पी सकते तो मैंने कोलोन क्लेंजिंग ड्रिंक की भी आपको रेसिपी दी है, जिसमें आधा किलो पालक, 250 ग्राम शलजम, 250 ग्राम गाजर और लगभग 60 ग्राम धनिया पत्ती और 10 से 15 ग्राम अदरक, और इन सबको मिक्स आप पानी 1 लीटर पानी में उबाल लें और फिर मिक्सी में ग्राइंड करके छान के फर्स्ट क्लास आपका सूप बन जाता है। उसमें स्वाद के लिए आप नींबू डालिए। और जब आपको कभी ऐसा, मान लीजिए अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो आप कहीं पार्टी लगातार बहुत दिन तक जो है अनहेल्दी जो है डाइट आपकी चल रही है और आपको लगता है कि आई नीड टू क्लेंज माई सिस्टम, तो आप एक दिन पूरा दिन इसी आप सूप पे रहिए, जो मैंने कॉलन क्लेंजिंग सूप की आपको रेसिपी दी है। आप दिन में 2-3 बार इकट्ठा बना के रख लीजिए, रफली उसका प्रपोर्शन सब्जियों का मैंने बता दिया है, तो आपकी आंतों का बहुत अच्छे से जो है डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो इस तरह से आप ग्रीन लीव्स का सेवन कीजिए। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है आपका जो आता है वो है हमारा वेजिटेबल्स का। तो रॉ वेजिटेबल्स अपने जीवन में इनकलकेट करिए। रॉ वेजिटेबल्स का मतलब है कि बहुत अधिक मात्रा में आप कच्ची सैलेड, जो भी सीजनल है, चाहे वो खीरा है, टमाटर है, कैप्सिकम है, चुकंदर है, मूली है, आजकल चुकंदर है, और कितनी सारी जो जो भी आप मटर कच्चे खा सकते हैं, आप मटर खाइए, पत्ता गोभी है वो खाइए, जो भी कच्चा आपको पसंद है, आपको छूट है, और भर के उसको, पेट भर के आप वेजिटेबल्स को खाइए। और उसको ये जितने भी मैं आपको भोजन के पदार्थ बता रही हूँ, इनको अपनी दिनचर्या में, ये नहीं कि शौक शौक पे आपने एक दिन खा लिया और बाकी दिन फिर छुट्टी, जी नहीं, यू हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, कि आपने दिन में 1 ग्लास हरा जूस पीना है और सब्जियां सैलेड खानी है। उसके बाद आता है नंबर स्प्राउट्स का। याद रखिए कि सारे अगर खाद्य पदार्थों की मैं चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व हैं जितना स्प्राउट्स में मिलते हैं, उतना जो है पौष्टिक तत्व किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं होते। अब स्प्राउट्स जो है वो आप दालें इत्यादि, जैसे मूंग है, चना है, मोठ है, ऐसे कई बीज भी हैं, अल्फा 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 जो है बहुत ही शक्तिदायक, यानी कि बहुत एनर्जी प्रदान करने वाला सीड है। आप नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसको भी अंकुरित करके उसका जो है, आप चाहे रायता बनाइए, दही में सेवन कीजिए, चाहे उसको सैलेड में खाइए, और इस तरह से। और यहाँ तक अगर हम हिंदी, ये क्या कहते हैं, एंशियंट योगिक टेक्स्ट में जाएं, तो वो अंकुरित गेहूं और अंकुरित अनाज काफी खाते थे। और सबसे बेस्ट तरीका जो है, और कई बार अंकुरित गेहूं का और अंकुरित अनाज का दलिया इत्यादि भी बनाया जाता है, वो आपको जो है हेल्थ फूड स्टोर पे मिलेगा। तो स्प्राउट्स में मैंने जैसे कहा कि स्प्राउट्स में जो अल्टीमेटली हमारा जो भी भोजन है, हमने कार्ब्स खाए तो वो भी ग्लूकोज में परिवर्तित होंगे। जिस तरह से, जिस फॉर्म में हम भोजन खाते हैं, उसको वो जो है बॉडी उसको उसको अपने अनुसार पचाने लायक बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हमारे पाचन की क्रिया जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट्स जितना हम खाते हैं उसको फैटी एसिड में। जब ये परिवर्तन होता है पाचन के क्रिया के दौरान, तब जाके वो जो भोजन का तत्व है वो हमारे शरीर में अवशोषित होने के लायक बनता है। अब आप जब स्प्राउट्स करते हैं तो होता क्या है, जो आपने दाल या अन्न लिया तो उसका जो स्टार्च है वो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जब उसका अंकुर निकलता है, उस समय जो है जब अंकुरित हो जाता है 2-4 दिन में, थोड़ा सा लंबा उसका अंकुर, तो उसका जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है,
उसका जो प्रोटीन है वो, यानी कि वो प्री डाइजेस्टेड हो जाता है। आपके पाचन तंत्र को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपकी जीवनी शक्ति का हास नहीं होता, तो इसीलिए इनका बहुत महत्व है। और दूसरी बात, एक उम्र के बाद जैसे कि 30 साल के बाद हम कहते हैं दालें इत्यादि बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 25-30 साल तक आपकी जितनी ग्रोथ, हड्डियां बननी थी, शरीर जितना डेवलप होना था वो हो चुका, केवल मेंटेनेंस डाइट चाहिए। उसके लिए धीरे धीरे हमें जो है दालों का सेवन कम करके स्प्राउट्स ज्यादा खाने चाहिए और हल्की दालें हफ्ते में 1-2 बार मूंग की या मसूर की। उसके बाद आता है नंबर नट्स का, सोग्ड। इसमें जो है आप अंकुरित कर सकते हैं, मूंगफली को भी अंकुरित किया जाता है, मूंगफली को सोक करके भी खाया जाता है। आप उसमें स्प्राउट्स में नारियल कटा हुआ मिला लीजिए। स्प्राउट्स को खाने की 2 विधियां शायद मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ कि चाहे उसको मीठा बनाइए चाहे उसको नमकीन बनाइए। मीठे में आप सोग्ड किशमिश है और छुआरे को भी भिगो के उसके छोटे छोटे पीसेस काटिए, नारियल के भी पीसेस काट के, और इस तरह से जो है मूंगफली को भिगो के उसको मिला के इतना पौष्टिक ये पूरा एक मील बन जाता है। उसके बाद फिर आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। और बच्चों को अगर स्नैकिंग में अगर इस तरह से किशमिश डाल के या ये छुआरा इत्यादि सोक करके अगर उसमें काट के अगर उनको अच्छा लग जाए तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनको पसंद आ जाए। बच्चों को आज जल्दी करके चीजें पसंद नहीं आती। और या फिर नमकीन। उसके बाद जो है फलों का सेवन। फलों को जो है आप याद रखिए कि कई बार अगर आपके कोई रोग है शरीर में, आपको कमजोरी है, जैसे कि पेट का मान लीजिए कोई रोग है, अगर आपको पेट में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो तुरंत आप फलहार पे आ जाइए। 1-2 दिन आप कोशिश करिए कि 250 ग्राम ब्रेकफास्ट में फल खाइए, लंच में भी फल खाइए 250 ग्राम, इवनिंग में भी फल खाइए, रात को भी फल खाइए, या आप थोड़ा सा सब्जी सूप भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बड़े से बड़े पेट की बीमारी, मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो दवाइयां देंगे जिसके साइड इफेक्ट है। तो आपको यदि कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट हो, सीधा आप फलाहार पे आ जाइए और आप पाएंगे बिना दवाई के 1-2 दिन में ही आपको जो है तुरंत उसका लाभ हो जाएगा। इतनी शक्ति। क्यों? क्योंकि फलों में भी स्टार्च जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वही उसको मिठास पैदा करता है। और फलों में जो सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होते हैं वो कीटाणुओं का भी नाश करते हैं, ऐसी भी क्षमता है फलों के अंदर। तो मतलब एक तो हमारे शरीर पर वो बोझा नहीं डालते, हमारे पाचन तंत्र भी तो एक तरह की एक मशीन ही है। हम जब बहुत अनहेल्दी खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पे बहुत लोड पड़ता है और हमारी जीवनी शक्ति और वाइटैलिटी का बहुत ह्रास होता है। और जबकि हम जब ये सब्जियां फल इत्यादि, तो इसको पचाने के लिए हमारे अमाशय में पहुंचते ही बॉडी उसको यूज कर पाती है, तो बॉडी की एनर्जी कम यूज होती है लेकिन हमें एनर्जी और स्फूर्ति बहुत मिलती है। कभी आप थके हुए हैं, आपका खाने का भोजन का पूरा मन नहीं है, आप फल खा लीजिए, आप तरोताजा हो जाएंगे, आपको कार्य करने की आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद आप जो है जैसा मैं कहती हूँ कि भोजन में अब इन सब जो प्राकृतिक भोजनों में प्राण है, एंजाइम्स है, याद रखिए कि कितना भी आप न्यूट्रिशियस फूड खा लें, अगर उसको जो है आपने पका के उसको हीट ज्यादा दे के, तो उसके एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। और हमारे बॉडी में जितनी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन का चाहे अवशोषण का, जब तक उसमें एंजाइम्स नहीं होंगे, प्राण नहीं होगा, तब तक जो है वो हमारे भोजन भीतर जाके अपनी पूरी तरह से अवशोषण या हमारे शरीर को वो मिल नहीं पाएगी चीज। तो इसीलिए ये प्राकृतिक रूप में भोजन खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पता चल गया कि क्या खाना है। अब कैसे खाना है, कैसे खाने के लिए आपको भोजन खाते समय सबसे पहले तो अपनी जो कॉल ऑफ नेचर है, चाहे यूरिनेशन है, सबसे निवृत्त होके शांत मन से रिलैक्स होके आपको जो है अपने मनोभाव को ध्यान में रखते हुए आप खाइए खाना।
याद रखिए, जब भी आप इमोशनल है, बहुत ज्यादा कहीं गुस्से में है, उदास है, या चिड़चिड़ापन है, या फ्रस्ट्रेशन है किसी बात को लेकर, ऐसे इमोशनल आवेगों मनोवेग जो होते हैं, उस दौरान पानी पी के रह जाएं थोड़ी देर, लेकिन भोजन ना करें। थोड़ा सा वो जो मोमेंट है उसको सबसाइड होने दें, और उसके बाद जो है भोजन आपको करना चाहिए। जब आपका चित्त शांत हो, तब आराम से चबा चबा के धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं खाएं, आराम से। जैसे कहा भी गया है कि जो सॉलिड भोजन, जो ठोस आहार है उनको पिए, और जो तरल पदार्थ है उनको खाएं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी सॉलिड फूड है उसको इतना चबा लें कि वो लिक्विड बन जाए, और जो तरल पदार्थ है उसको सिप सिप करके मुंह में घुमा के, ताकि हमारा जो सलाइवा है उसमें मिक्स होके वो हमारा पाचन ताकि बहुत अच्छे से हो। इसके बाद क्या खाएं और कैसे खाएं हो गया, अब कब खाएं। कब खाएं का मतलब ये है कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि एक बार जो खाए वो योगी, दो बार जो खाए वो भोगी, और बहुत बार जो खाए वो रोगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब जो है टाइम्स चेंज हो रहे हैं, उसमें जो है सैलेड को खाना, फिर उसके बाद भोजन का क्रम रखना, लेकिन फिर भी बार बार और जल्दी जल्दी खाने का क्रम जो है हमें नहीं करना चाहिए। अगर हल्का स्नैक किया है हमने, तो कम से कम उसको 1-2 घंटे का जो है गैप मील से रखना चाहिए। उसके कम से कम, जब आपने भोजन कर लिया फुल मील, तो कम से कम 4-5 घंटे का, 6 घंटे का आपका अगले मील का गैप होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी लाभ मिलता है, कि आपने रात को 6 बजे कर लिया भोजन, और अगले दिन जो है आप 10 बजे तक खाते हैं, तो कितने घंटे का आपका हो गया, आपका पूरा जो है 12-4 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। तो इस जब आपने ये फास्टिंग का पीरियड दिया कि रात को 6 बजे तक खा लिया, और अगले दिन 10 बजे से पहले, हाँ पानी पी सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो आपको ये, जब आप फास्टिंग करेंगे तो नोबल प्राइज विनिंग ये साइंस है, जिसमें ये जैपनीज डॉक्टर को, कपल को बल्कि नोबल प्राइज मिला था इसको डिस्कवर करने के लिए, कि जब हमारा बिना पानी के हम इतने घंटे फास्टिंग रखते हैं, तो जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं वो हमारे कैंसर सेल तक को मार गिराते हैं। यानी कि हमारे भीतर की क्षमताएं इतनी अच्छी हैं कि हमारी बॉडी के हेल्दी सेल, अगर आपके वो पनप भी रहे हैं चीज, तो उसको मार डालेंगे। इतनी शक्ति हमारे लिम्फोसाइट्स और हमारे वाइट, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, उन टी सेल्स बोलते हैं, उनकी पावर देखिए कितनी गुना बढ़ जाती है। और ये साइंस कह रही है, रिसर्च कह रही है, नोबल प्राइज मिला है, इसलिए नोबल प्राइज विनिंग साइंस है, 2018 की जैपनीज कपल को मिली है। सो इस तरह से अब आपने, हमने जाना कैसे खाए, कब खाए, क्या खाए, और इसके बाद अब हमें अवॉइड क्या करना है। याद रखिए कि जो भी प्रकृति जितना, जिस रूप में हमें भोजन दे रही है, ज्यादा से ज्यादा उसको उसी रूप में खाएं। और इससे देखिए ना, गृहिणियों का समय जो है किचन में, आपको जो है जितना तलना भुनना, कुकिंग टाइम हमें जो लेडीज को ये एक करना है कि अपना किचन में भी काम जो टाइम है वो कम करना है, ताकि हमें फट से फल काटे, सब्जियां काटी और कर दिया। जितने ज्यादा पकवान हम बनाते हैं, तो देखिए उसमें तलने में, मसाले भुनने में, उनमें सब में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो याद रखिए कि किचन का काम हमें रिड्यूस करना है, कुकिंग टाइम रिड्यूस करना है, तो उससे जो है ऐसा भोजन बनेगा जो हमारे शरीर में एसिमिलेट हो जाएगा, और हमारे शरीर को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें जो है, जो बाजार से, फैक्ट्री से चीजें आती हैं, पैकेज्ड गुड्स आते हैं, चाहे वो पैकेट में भोजन, आजकल देखिए ज्यादातर जो वर्किंग कपल्स हैं, अब ऐसा माहौल बन गया है कि उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता, तो वो पैकेज्ड गुड्स खाते हैं। तो पैकेज्ड गुड्स जब हम खाते हैं, तो
तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वो अल्टीमेटली फिर हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। उसके बाद थ्री व्हाइट पॉइजन से हमें बच के रहना है, जो है मैदा, व्हाइट शुगर और व्हाइट ये सॉल्ट, ये जो कहते हैं ना फ्री फ्लो ऑफ सॉल्ट है, जो ये फ्री फ्लो बनाने के लिए फैक्ट्रीज में ट्रीट किया जाता है, और वो जो है फिर हमारे शरीर को, तो इसलिए रॉक सॉल्ट जितना वो रॉक फॉर्म में है वो हमें खाना चाहिए। शुगर जितनी ज्यादा, अब जब गन्ने को पकाया जाता है तो सबसे पहले जो उसका जो कड़ा के और वो जो गुड़ काला जितना होता है वो सबसे ज्यादा सही होता है, फिर उसको ज्यादा चमकदार, जानते हैं जानवरों की बूढ़ी हड्डियों से उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि उसको और सफेद, चमकदार और लुभावना बनाया जा सके, और उसको देख के हम खुश होते हैं कि अरे भैया हमें जो है ज्यादा सफेद चीनी देना। अब वैसी चीनी जब हमारे शरीर के भीतर जाती है तो वो एक तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई होती है, दूसरा उसको पचाने के लिए बॉडी हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसको लेती है, क्योंकि उसके बगैर उस शुगर का पाचन होना संभव नहीं। तो एक तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम डिप्लीट होता है, जितनी ज्यादा जो शुगर खाते हैं उनका जो है कैल्शियम डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बिना कैल्शियम लिए वो उसका पाचन हो ही नहीं पाता, और उससे निरी कैलोरीज मिलती हैं, कोई पौष्टिकता नहीं मिलती, ये बात समझने की। और मैदा, चाहे आप मैगी खाइए, चाहे आप समोसे भटूरे खाइए, जब मैदा आपके शरीर में जाता है वो आंतों में जाके चिपकता है, आंतों में चिपकेगा, वहां सड़ेगा, आपको गैस बनेगी, कब्ज होगी, वो मल जो है आगे मूवमेंट नहीं होगी, स्टक रहेगा, आपको दिक्कतें होंगी बहुत प्रकार की। क्योंकि याद रखिए, ये जितना भी फाइबर है जो आपको हरी पत्तियों से मिल रहा है, फलों से मिल रहा है, सब्जियों से, ये फाइबर जो है जो हम कण समेत चावल खाते हैं या ब्रैन वाली चोकर वाली आटे की रोटी खाते हैं, तो ये फाइबर सारा जो है हमारे शरीर में भीतर झाड़ू का काम करता है। जैसे एक घर की सफाई के लिए झाड़ू से हम करते हैं, उसी प्रकार से जो फाइबर है वो झाड़ू की तरह हमारे जो है सारे जो टॉक्सिन्स को लेता हुआ नीचे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में ले जाता है। और पानी का खूब सेवन कीजिए, पानी हमें पीना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है मोर देन 60% वाटर है, तो हमें, लेकिन सीजन के हिसाब से, अपने हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी निर्धारित कर सकते हैं। आजकल सर्दियां जैसे अब शुरू हो जाएंगी तो रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा कम पानी पिएंगे, लेकिन आप अपना क्वांटिटी, आप बॉटल्स अपनी बना के रख लीजिए कि दिन में मुझे ये 2 बॉटल्स 1-1 लीटर की खत्म करनी ही है, तो इस तरह से वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में। याद रखिए, पानी पीने का टाइम क्या है, पानी पीने का टाइम है आपके भोजन से आधे से 1 घंटे पहले आप खाइए और पीजिए, और भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, वो करेक्ट वे है पानी पीने का, भोजन के साथ ना पिए। एक रिसर्च कंडक्ट की गई, उन्होंने जो लोग भोजन के साथ पानी पीते थे उनका जो है कुछ दिन ऑब्जर्व किया, और कुछ लोगों को जो है उन्हीं लोगों को कुछ दिन के बाद जो है, जैसे उनको 3 महीने ऐसे इस तरह से भोजन कराया गया कि भोजन के साथ पानी, फिर अगले 3 महीने उनसे भोजन के 2 घंटे बाद कहा गया, तो उनका वजन घटा। यानी कि कई बार ये जो तरीका हम जो अपनाते हैं कि भोजन के साथ, तो वो हमारे वजन बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो इस तरह से हमें इन नियमों का पालन करना है अपने जीवन से, ये जितना जंक है, बाजार का खाना है और बहुत लुभावने, और ये जो जो मैंने व्हाइट पॉइजन्स किए, और भोजन के बीच में गैप, और गैप के साथ साथ पानी का नियम, आप इन नियमों का यदि आप ध्यान रखेंगे, मन बड़ा कठोर करना पड़ता है क्योंकि चीजें बड़ा लुभाती है, तो लेकिन जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए अपना जो है क्रम हमें रखना है, ज्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खाने हैं, और इन्हीं सब बातों का हम नियमों का ध्यान रखेंगे तो हमारे को रोग आएंगे ही नहीं। और अगर रोग आ भी जाए तो तुरंत, मैंने कहा कि आप सीधा जो है आप फलार पे आ जाइए,
कुछ दिन का उपवास कीजिए, खूब जल पिए, खूब सब्जियों का और फलों का सेवन करें, तो एक दो दिन में अगर कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होगी, हमने रिसर्च में ये पाया, कई लोग ये सोचते थे कि कई बार ऐसी धारणाएं लोगों के मन में होती है, अरे फल रात को नहीं खाना, ठंडा होता है, अरे आर्थराइटिस है, ये फल नहीं खाना वो। हमने बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स खाली फलार के, अंजीर मुनक्का भिगो के और खजूर भिगो के, केवल नाश्ते में उनको वो दिया गया, लंच में मतलब, और नाश्ते 12 बजे तक फल दिए गए, लंच में उन्हें केवल सैलेड दिया गया, रात में खाली स्टीम्ड वेजिटेबल और सूप। तो ये क्रम करते हुए उनको 6 महीने 9 महीनों में उनके दर्दों में इतना आराम आया इस भोजन के बदलाव से। तो इसीलिए यदि तो कोई कष्ट नहीं है तो भी आप नियमों का ध्यान रखें, और यदि शरीर में कोई अगर कष्ट आ गया तो अवश्य ही तुरंत आप जो है अपने खाने के प्रति सावधान हो जाए। सो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ, कोई प्रश्न है तो बोले। सुशीला जी कुछ पूछना चाहती हैं? मैम होस्ट हो गई थी, मेरा वायर चला गया था नेटवर्क थोड़ा। आप रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगी या फिर वहां पे होगा रिकॉर्ड का, या ओके। फिर आप मुझे होस्ट बना हाँ, सकते हैं? मैं कर देती हूँ स्टॉप हाँ रिकॉर्डिंग ना। हाँ हाँ ठीक है। यस।